हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है कुमारी रीमा की रसोई में। आज मैं कटहल का कोफ्ता बनाने जा रही हूँ, जिसे बहुत लोग कोफ्ता करी भी बोलते हैं। देखिए कितना ही यम्मी रेसिपी है, ये खाने में बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट होते हैं। इसको चावल रोटी के साथ, पूरी पराठे के साथ आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। इसकी रेसिपी मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप देख सकते हैं कितनी यम्मी रेसिपी है, देखते हैं आप लोग ज़रूर इसे बनाएंगे। ये कटहल है जिसको मैंने उबाल लिया है, ये 200 ग्राम के लगभग कटहल है। ध्यान रखें, पानी कुकर में डाल करके मैंने इसे उबाला है। इसमें 2 ग्लास के लगभग पानी लगा है, ऊपर तक पानी रहनी चाहिए। इसमें हल्का सा मैंने हल्दी डाला और डाल करके 1 से 2 सीटी तक मैंने इसको धीमे फ्लेम पे दिलवाया है। जब ये ठंडे हो जाए तब मैं इसको मैश करूँगी, इसको अच्छे से मिलाऊँगी। और उसके बाद में इसमें मैं बेसन 2 स्पून के लगभग डालूँगी। पहले इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, और जैसे जैसे मैं मसाले डालूँगी वैसे वैसे आप लोगों को उसकी मात्रा बताती जाऊँगी, कितना क्या चीज़ लेना है हमें। पहले इसे मैं मैश करूँगी अच्छे से, क्योंकि मुझे इसका राउंड राउंड कोफ्ता बनाना है। अब आप देख सकते हैं ये मैश हो चुके हैं पूरे अच्छी तरह से। मैं इसमें 4 स्पून के लगभग बेसन डाल रही हूँ। अब मैं सारे इंग्रेडिएंट्स आपको बताऊँगी कितना डालना है। 1 चम्मच के लगभग मैंने सब्जी मसाला डाला है, इसमें धनिया भी मिक्स है, धनिया हल्दी मैं डालूँगी। हल्दी 1/2 स्पून के लगभग मैं डालूँगी इसमें, और मैं ग्रेवी में डालूंगी। आधी से कम चम्मच देख सकते हैं मिर्च है। ये भुना हुआ जीरा मैं डालूंगी। थोड़ी सी मैं गरम मसाला डालूंगी। अब सबको मैं मिक्स करूँगी। इसमें नमक मैं डालूँगी 1/2 चम्मच के लगभग, मैं नमक इसमें डालूँगी। अब देख सकते हैं 1/2 स्पून के लगभग है नमक। इसको सबको इंग्रेडिएंट्स को मैं मिक्स कर लूँगी। और इधर मैंने लहसुन अदरक प्याज ली हूँ। इसमें तेज़पत्ता है, 1 लाल मिर्च है, जीरा मैं जब फ्राई करने के टाइम पे जब डालूँगी, मसाला भूनने के टाइम पे उसमें मैं उसके बारे में बताऊँगी आप लोगों को। अब आप देख सकते हैं मैंने प्याज, काली मिर्च, जीरा और लहसुन अदरक का पेस्ट में बना ली हुई हूँ, जो आप लोग के सामने है। उधर मैं इसको मिक्स करूँगी। टमाटर की मैं एक टमाटर मैं ली थी, इसकी मैंने ग्रेवी बना ली है, जो आप देख सकते हैं। अब मैं इन सबको मिक्स करूँगी। इसमें मैं अपने हाथ का ही यूज करूँगी, और राउंड राउंड शेप में मैं इसे बना करके तलूँगी। अगर बेसन कम लगेगा तो 1 चम्मच आप बेसन डाल सकते हैं। अगर लगे कि ये गीला है, इसमें पानी मैंने डाली हूँ। मैंने इधर आप देख सकते हैं मैंने इधर तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं इसी में तलूँगी। तेल अधिक गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम होनी चाहिए। इधर मैं इसका बाउल बना लूँगी छोटा छोटा सा। ये मिक्स हो चुके हैं आप देख सकते हैं। हाथों से छोटा छोटा हाथ भी इसी तरह का बाल बना लें राउंड राउंड। आप जिस साइज में चाहें उस साइज में आप बना सकते हैं।
तरह सारे बाउल में बना करके अभी तलेंगे। आप देख सकते हैं धीमी फ्लेम पर इसे बनना है, छोटी वाली स्पून से इसे तलकते रहें कि चारों तरफ से ये लाल हो जाए। तो बहुत ही स्वादिष्ट टेस्टी, इतनी लजीज रेसिपी है कि क्या बताऊं मैं इसके बारे में आप लोगों को। बच्चे बड़े सभी इसे बड़े ही चाव से खाते हैं। आप चाहें तो इसे सूखे भी चटनी सॉस के साथ यूज कर सकते हैं नाश्ते में, ब्रेकफास्ट के रूप में, या सब्जी के रूप में भी इसे आप यूज कर सकते हैं। बहुत ही अब मैं इसे ट्रांसफर कर लूँगी। आप देख सकते हैं पूरे रेड हो चुके हैं। अभी मैं इसे निकालूंगी प्लेट में, देख सकते हैं। घर में गैस ऑन कर दी हुई हूँ। अब आप देख सकते हैं तेल कढ़ाई गर्म हो चुकी है, धीमी फ्लेम कर देंगे और इसमें हम 1 स्पून के लगभग तेल डालेंगे। इसमें गर्म करेंगे, इसमें जीरा डालूंगी। तेल गर्म है, देखिए तरह तरह के जीरे अच्छे खासे, देख सकते हैं। इसमें तेजपत्ता डालूंगी और 1 मिर्च डालूंगी। तो मिर्च कितनी होती है इसलिए मैं 1 मिर्च डाल रहा हूँ। अगर आपको तीखा अधिक पसंद हो तो मसाले जो मैं भूनूँगी उसमें भी आधे जो है मैं लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करूँगी। आप देख सकते हैं ओनियन का जो मैंने पेस्ट बनाया था उसे मैं भून चुकी हूँ इसमें डाल करके। इसमें मैं सब्जी मसाला 1 चम्मच डाल दी थी इसलिए येलो दिख रहा है। अब मैं और मसाले इसमें ऐड करूँगी। ये आप देख सकते हैं थोड़ी सी मैं मिर्ची डालूँगी क्योंकि अगर इससे अधिक में डालूँगी तो तीखा अधिक हो जाएगा। पहले का भी ध्यान भी रखना है कि कोफ्ते में भी मैंने मिर्च पाउडर डाला था, हल्दी भी मैं उसी के अनुसार डालूँगी। आधी स्पून के लगभग फूल मिला करके 1 स्पून के लगभग हल्दी इसमें पड़ी है। गरम मसाला डालूँगी और टमाटर का पेस्ट जो है इन लोग सबको मिक्स करने के बाद में टमाटर का ग्रेवी जो है उसको मैं डालूँगी और मिक्स करूँगी। जब ये सारे इन्ग्रीडियंट्स मिक्स हो जाएंगे तब मैं 1/2 गिलास के लगभग पानी डालकर इसको अभी देख सकते हैं मिक्स हो चुके हैं। अगर आप गाढ़ा या ग्रेवी रखना चाहते हैं तो 1/2 गिलास के लगभग पानी डालें, और अगर पतला रखना चाहते हैं तो आप 1 गिलास के लगभग पानी डाल करके ग्रेवी बना सकते हैं। मैं अगर देखिए मैं गाढ़ा रखती हूँ, थोड़ा सा और मैं पानी ऐड करूँगी। देख सकते हैं इतना पानी पर्याप्त है इसके लिए, ना अधिक पतला ग्रेवी रखें ना अधिक गाढ़ा। तभी अच्छी तरह से पूरी तरह से खोल जाएंगे तब मैं इसमें सारे पकौड़े डाल दूँगी। 1 चम्मच के लगभग मैंने छोटी चम्मच से नमक डाल दिए। मैं इसे मिक्स करके ढकूँगी, बाउल अच्छे से आ जाएंगे। एक बाउल आने पर मैं अब देखते हैं अच्छे से ये अच्छे से पक गए मसाले। अब मैं इसमें सारे पकौड़े डालूँगी लगभग 2 मिनट के लिए, अधिक देर तक मैं इसे अभी नहीं पकाऊँगी। देखिए कितने स्वादिष्ट सब्जी लग रही है, देखने से ही आप लोग को पता चल जाएगा। जब देखने में इतनी अच्छी है तो खाने में कितनी टेस्टी होगी, कितने उसके स्वाद लजीज होंगे देख सकते हैं। तो मैं इसे प्लेट में हल्का सा एक बार 2 मिनट के लिए मैं ढक्कन लगा करके धीमी फ्लेम पे इसे पकाऊंगी। अब देख सकते हैं मैंने उसको
बाउल में ट्रांसफ़र कर ली हूँ। अब ये सर्व करने के लिए तैयार है। अब आप इसे टेस्ट कर सकते हैं, बहुत ही यम्मी टेस्टी रेसिपी है। आप लोग प्लीज़ इसे घर पे बनाया कीजिए और अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। हो सके तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। घर पे रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद।